इनडेप चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी म्यूजिक कंसर्ट, डीजे या शोर शराबे वाली जगह से बाहर आने के बाद लोगों को कुछ देर तक ठीक तरह से सुनाई क्यों नहीं देता? क्यों कुछ खास तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में हेयरिंग लॉस से संबंधित समस्या अधिक देखी जाती है? क्यों शोर शराबे वाली जगह पर रहने से कुछ लोगों की सुनने की शक्ति थोड़ी देर के लिए और कुछ लोगों की सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाती है? अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है तो आप दीजिए, क्योंकि जिस तरह आंखों की समस्या में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है, ठीक उसी तरह कानों से संबंधित समस्याओं में पिछले 6 सालों में 2 गुनी वृद्धि रिपोर्ट की गई है। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो इनडेप चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं और इसकी सीरीज ऑफ ENT स्पेशल एपिसोड्स को फॉलो करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा कान किस तरह काम करता है, किस तरह यह साउंड को कैच करता है और किस तरह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलकर दिमाग के उन हिस्सों तक पहुंचा देता है जो साउंड की मीनिंगफुल प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत ही ध्यान से समझिए, साउंड या आवाज़ एक तरह की ऊर्जा है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत ज़रूर होती है, फिर चाहे वो मीडियम हवा हो, पानी हो या कोई मेटल हो। ज़्यादातर साउंड वेव्स बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। इस समय जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस पर इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके साउंड यानी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो उस डिवाइस के स्पीकर से निकलने वाली साउंड वेव्स हवा के अणुओं यानी एयर मॉलिक्यूल्स को एक खास पैटर्न में वाइब्रेट कराती हैं और आपका दिमाग मेरी आवाज़ को ठीक उसी तरह समझ जाता है जिस तरह एक म्यूजिशियन कुछ नोट्स बनाता है और दूसरा म्यूजिशियन उसे आसानी से समझ जाता है। ठीक इसी तरह मेरी आवाज़ से पैदा हुई साउंड वेव्स को एक डिवाइस ने कैप्चर किया, उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में सेव किया और फिर यह इंटरनेट के माध्यम से आपकी डिवाइस तक पहुंचा और आपकी डिवाइस ने इसे फिर से साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर दिया और यही साउंड वेव्स आपके कानों में जाकर फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदल जाएंगे और आपका दिमाग इन्हें एक मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ हमारी हेयरिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। यानी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आप सुन चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। तो हमारे नए व्यूअर्स आप समझ चुके हैं कि किस तरह एक साउंड साइकिल पूरी होती है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल नॉर्मल लगता है, यानी हम जब से पैदा हुए हैं तब से आवाज़ें सुनते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन जितना आप आवाज़ की दुनिया के गहराई में जाएंगे उतनी ही आपको आश्चर्यजनक लगेगी और ऐसा लगेगा कि आप किसी जादुई दुनिया में पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले 1 दशक से, साउंड की ये अमेजिंग दुनिया पूरी तरह डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। आज हाई पावर वाले स्पीकर, एक्सट्रीमली लाउड नॉइज़ वाले डीजे और कुछ गाड़ियाँ जिनकी पहचान ही उनसे निकलने वाला तेज शोर है, आपको हर जगह मिलेंगी। अगर पिछले दशक की बात की जाए तो ऐसे मोबाइल्स या ऐसे म्यूजिक सिस्टम्स की डिमांड काफ़ी हाई थी जिनका साउंड तेज हो। कुछ मोबाइल फोन्स का साउंड तो इतना तेज था कि उसे अपने घर के साथ साथ आसपास के घरों के लोग भी आसानी से सुन सकते थे। इसके बाद सोफिस्टिकेटेड हेडफोन्स, क्रिस्टल क्लियर साउंड देने वाले ईयरफोन्स और म्यूजिक सिस्टम आए। ज़्यादातर लोग उस समय कानों में ईयरफोन लगाए हुए झूमते हुए नजर आते थे। इस खास डिकेड यानी 2011 से लेकर 2020 में कानों की समस्या, खासकर हेयरिंग लॉस की समस्या में बहुत ही खतरनाक उछाल देखा गया। इसी दौरान ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी आए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इनका यूज़ भी किया हो। बैटरी से चलने वाली इन डिवाइसेस को फैशन और स्टेटस का सिंबल माना गया और लोग बड़ी शान से सुबह से लेकर शाम तक इन्हें पहने रहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह कमज़ोर आँखें वाले लोगों को चश्मा पहनना पड़ता है। लेकिन फैशन और स्टेटस को ही सब कुछ मानने वाले लोग यह नहीं जानते थे कि ब्लूटूथ ईयरप्लग या नॉर्मल हेडफोन्स जैसी डिवाइसेस बैटरी से चलती हैं और बैटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती हैं जो हमारे हेयरिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एज अ रिजल्ट, लंबे समय तक इन डिवाइसेस का यूज़ करने वाले ज़्यादातर लोगों में हेयरिंग लॉस रिपोर्ट किया गया, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो या प्रोफाउंड हो। मैं आप सभी से ये नहीं कह रहा कि हेयरिंग लॉस का केवल एकमात्र यही कारण है, बल्कि यह कह रहा हूँ कि यह एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह पिछले दशक में हेयरिंग लॉस एक बड़ी समस्या बनी, उसी तरह इस दशक में अल्ट्रा HD स्क्रीन रिजोल्यूशन और 300 मेगापिक्सल तक के कैमरे आने के बाद आंखों की समस्या में 10 गुना वृद्धि देखी जाएगी। वेल, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो जाए, आप सभी समझदारी के साथ इसका उपयोग कीजिए। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आप सभी समझ चुके हैं कि हमारा कान किस तरह साउंड को प्रोसेस करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए, जब साउंड या शोर
आपके कानों से टकराता है तो इनर ईयर के हेयरिंग सेल्स ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और केवल एक बार ओवर स्टिमुलेट होने के बाद यह कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हैं, यानी इन्हें लकवा मार जाता है और यह साउंड को रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देते हैं, यानी उसी समय हमारी सुनने की शक्ति चली जाती है, चाहे कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए। लेकिन कुछ देर किसी शांत जगह में गुजारने के बाद ये सेल्स फिर से ठीक हो जाते हैं और आपको पहले की तरह सुनाई देने लगता है। लेकिन यदि इन हेयरिंग सेल्स को बार बार और लंबे समय तक तेज शोर में एक्सपोज किया जाता है तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और साउंड को रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देते हैं, और इसे कहा जाता है तेज शोर से सुनने की शक्ति खत्म होना या परमानेंट नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में नॉर्मल हेयरिंग सेल्स और राइट साइड की पिक्चर में डैमेज्ड हेयरिंग सेल्स देख सकते हैं, तो इसे ही नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस कहा जाता है। अब देखते हैं कि किन लोगों को इनका ज़्यादा खतरा रहता है। तो देखिए, लंबे समय तक ईयरफोन, हेडफोन और ब्लूटूथ ईयर डिवाइस लगाने वाले लोग तो परमानेंट रिस्क पर रहते ही हैं। इनके अलावा म्यूजिशियंस में, डिफेंस से जुड़े हुए लोगों में जैसे सेना और ट्रैफिक पुलिस में, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों में और ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जहां हैवी मशीनें चलती हैं, नॉइज एक्सपोजर के हाई रिस्क पर रहते हैं। इनके अलावा क्लब या शादी पार्टियों में डिस्को जॉकी यानी डीजे का काम करने वाले लोगों में भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। यदि आप में से कोई या आपकी जान पहचान का कोई इन प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अब सवाल यह उठता है कि कितना साउंड आपके कानों के लिए खतरनाक है। तो समझिए, एक डॉक्टर आपसे यह कहेगा कि इतने डेसिबल का साउंड ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए और दूसरा डॉक्टर आपको किसी और डेसिबल का साउंड सुनने के लिए मना करेगा। लेकिन मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि वो सारे साउंड और नॉइज़ आपके कानों के लिए खतरनाक हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, फिर चाहे वो किसी गाड़ी का साउंड हो, किसी मशीन का साउंड हो, किसी डीजे का साउंड हो या आपके बगल में बैठे दोस्त के मोबाइल पर फुल वॉल्यूम में चल रहे किसी सॉन्ग का साउंड हो। ये सभी आपके कानों के लिए खतरा हैं और जितना जल्दी हो सके आप इनसे दूर चले जाइए। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस यानी शोर से होने वाली सुनने की शक्ति में कमी किस तरह होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इससे कैसे बचा जाए। आप हर समय तो अपने कानों को हथेलियों से बंद नहीं रख सकते। हम लाउड नॉइज़ से खुद को कैसे बचाएं? आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन भी है। 2017 में हुए एक अध्ययन के अनुसार छोटे ईयरप्लग को कानों में लगाने से यह बाहर से आने वाली नॉइज़ को 45 से लेकर 50% तक कम कर सकते हैं, और किसी हाई एनर्जी वाली साउंड वेव्स जो किसी बम धमाके से निकली शॉक वेव्स की तरह होती है उन्हें 60% तक रोक सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास लाउड नॉइज़ है तो आप ईयरप्लग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये ईयरप्लग्स बंद होने चाहिए। वैसे तो ईयरप्लग सभी के पास होते हैं, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त से पुराना या ख़राब ईयरप्लग ही ले लीजिए, और यदि वायर के साथ इन्हें पहनने में परेशानी हो रही है तो वायर को काट लीजिए और अपने कानों को सुरक्षित कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह बताना ज़रूरी है कि हमारे 85% व्यूअर्स वो हैं जो वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। केवल 15% व्यूज़ ही हमें अपने सब्सक्राइबर से मिलते हैं, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसलिए यदि आप हेल्थ रिलेटेड ऐसी ही एक्सक्लूसिव, लेटेस्ट और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।